इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ताउते तूफान के दौरान बाज हादसा मामले में लापरवाही को लेकर एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। ओएनजीसी ने अपने 3 कार्यकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओएनजीसी ने अपने 3 कार्यकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये निलंबन बाज हादसे मामले में हुआ है। एबीपी न्यूज ने इस खबर को विस्तार से और प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद बाज हादसे में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ और ओएनजीसी ने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय सिंह ने ही इस खबर को सबसे पहले विस्तार से और प्रमुखता से उठाया था। मृत्युंजय, क्या अपडेट है, क्या चार्जेस लगाए गए इन अधिकारियों को निलंबन करने से पहले? देखिए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे हादसे के मामले में। 17 तारीख को साइक्लोन आया था, उसमें अलग अलग बार्ज और टकबोट इस तूफान की चपेट में आ गए थे। 700 से अधिक लोगों की जिंदगी पर बनाई थी, 86 लोगों की मौत हुई। इसमें एक हाई कमेटी बनाई गई थी जो जांच कर रही थी और कल इस कमेटी ने एक बैठक की और इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ओएनजीसी के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। उनको जो ऑर्डर दिया गया है उसके मुताबिक जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें निलंबित किया जाएगा। आपको बता दें कि निलंबित करने से पहले ये कहा गया है कि चूंकि ये जो जाँच पूरी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और इसीलिए ये जो 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी ड्रिलिंग की बनती थी, सेफ्टी की बनती थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ऐसे प्राथमिक जांच में प्रतीत होता है और ऐसे पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकल कर आया है। प्राथमिक जांच में जो सामने निकल कर आया है कि इन्होंने तूफान को नजरअंदाज किया, यानी कि इसे बहुत हल्के में लिया और जो ताउते तूफान था इसका आकलन इन्होंने ये लगाया कि इसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जो लहरें हैं वो 7 फुट की ऊंची लहरें उठेंगी जिसे आसानी से ये बार जो टकबोट झेल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 700 लोगों की जिंदगी पर बनाई, 86 लोगों की मौत हुई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो 3 हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया है और भी लोगों पर गाज गिर सकती है। ये हाई लेवल कमेटी की जांच हुई, अब तक ये जानकारी सामने आई है। विकास मृत्युंजय ज्यादा जानकारी दे रहे थे कि 3 ओएनजीसी के कार्यकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है लापरवाही बरतने के मामले में। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।